According to law of mass action, we have done if this is the equation. Now, what is Kf? Okay, rate of, अगर मैं ऐसे बोलू, rate of forward क्या थी आपकी? Is equal to K A raised to the power A, B raised to the power B. Rate of backward, hurry up, जहां पे छोड़ा था वही करते हम बस. ठीक है, बैकवर्ड विल बी के बी बी सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी. अब हमें पता है बेटे इक्विलिब्रियम पे जितना फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. तो इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो. ये फर्स्ट को आप सेकंड से इक्वेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, के एफ ठीक है, ये भी इस तरफ ले जाओ और ये वाला जो है वो उठा के यहां ले आओ. ठीक है, तो अगर के बी इधर लेके जाए तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू ठीक है, के एफ और के बी इज अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. टू कांस्टेंट को आप डिवाइड करते हो तो आपको न्यू एक कांस्टेंट मिल जाता है जो है के सी. यू विल गेट अ न्यू कांस्टेंट दैट इज अ के सी. गॉट इट? नाउ यू विल गेट हियर, के सी विल बी दिस. चलो अरे डेरिवेशन भी आ जाती है सीधा. क्या न्यूमेरिकल है इसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है. ठीक है, ओके. तो हमने क्या दिखा हमें बोर्ड पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, रेस टू देयर पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. नीचे क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. जब हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे ली जाती है, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, दैट इज मोल पर लीटर. ठीक है, मीन्स सी की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर में है, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर में है, देन डी की कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये तो हमारे अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ भी. अगर आपके सब कुछ गैसियस में हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की जगह पे बेटे केपी लेते हैं, क्योंकि तब हम प्रेशर देखते हैं. गैसेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखी जाती. जब हमारे पास गैसेस होंगी तो उनका प्रेशर देखा जाएगा कि इनिशियल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है, तो हम इनको प्रेशर की टर्म में देखते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टेंट ड्राइव करेंगे केपी. फिर आप केपी और केसी में रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट आनी होती है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी. व्हाट इट नाउ, अब मेरे पास रिएक्टेंट सारे गैसेस में,
तो इफ आई हैव दिस गैस प्लस दिस गैस अब ये नहीं है कि इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते, इनकी मोलर भी तो ले सकते हैं, चाहे वो गैस है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो होगी, पर हम मोस्टली क्या लेते हैं, हम प्रेशर की टर्म में, ठीक है। प्रेशर हमें इजी है, मैनोमीटर में हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने मान लो एक वेसल में ए गैस डाली तो प्रेशर नजर आ जाएगा मैनोमीटर में, फिर बी डाली तो प्रेशर में जितनी चेंजेस आई हैं वो बी के कारण आई हैं तो बी का भी प्रेशर आ जाएगा, फिर जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो प्रेशर में जो भी चेंजेस आएंगी वो सी और डी के कारण आएंगी, तब हम क्या बोलेंगे, केपी, ठीक है। जब हम प्रेशर की टर्म्स में, तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नाउ प्रेशर विल बी क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी रेस टू द पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेस टू द पावर डी, प्रेशर ऑफ ए रेस टू द पावर ए, यहां ना करोगे, प्रेशर ऑफ बी रेस टू द पावर बी, यही बोलोगे, क्योंकि अभी हमने निकाला क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, वही हमने फिर से अब प्रेशर की टर्म में ले लिया, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिया था, गॉट इट। अब एक आइडल गैस इक्वेशन जो हमने नहीं करी मगर यहाँ पे लगनी है, वो आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हम इसमें आइडल गैस इक्वेशन लगाएं तो आपको डेरिवेशन आएगी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। जब आपको डेरिवेशन आती है बेटे केपी और केसी की, आपने पहले केसी निकाल के दिखाना होता है, जो स्टार्टिंग से लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू हो गया कि ऐसे केसी आया हमारा, ठीक है। केसी आने के बाद आप केपी लिखते हो, समझ आ गई, उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक। अब हम लिखोगे कि वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वी विल ड्राइव इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके। आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होता है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर, ओके। नाउ अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो आई विल गेट P is equal to N by B CR, sorry, RT, Aditya, roll number 3, ठीक है, N by V RT, now what is N, number of moles, what is V, volume, तो number of moles divided by volume concentration ही तो होती है बेटे, number of moles किसी का लेते हो, और अब हमने अभी क्या बात करी, कि हम कॉन्सेंट्रेशन किसकी टर्म में ले रहे हैं, इस केस में हम मोलैरिटी की टर्म्स में ले रहे हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो ये क्या आ गया बेटे आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन, यू आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, वी कैन राइट P इज इक्वल टू सी आर टी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन, P की वैल्यू क्या बनी आपके आपके पास, सी आर टी, समझ आ रहे हैं, तो इसकी डालो आप इसमें, हमें पता है KP क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू द पावर सी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लोगे, ठीक है, या सीधा भी ले सकते हो ए आर टी डिवाइड ए, ओके, मगर हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो हमने इसको सब्सिट्यूट मिल लिए, हाँ सी, ठीक है, डी रेस टू द पावर, अरे अरे सॉरी सॉरी, ए रेस टू द पावर ए
बी रेस टू द पावर बी, ठीक है। अब ये सी, ये डी, ये ए, ये बी एक तरफ ले आओ, आरटी कॉमन है, आरटी सब में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आएगा, सी रेस टू द पावर सी, अब डी रेस टू द पावर डी, अब यहां पे क्या आ गया, ए रेस टू द पावर ए, बी रेस टू द पावर बी, और आरटी, आरटी क्या हो गया यहाँ पे सी प्लस डी, यहां पे क्या हो गया ए प्लस बी, ठीक है। बट इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओके। बी इट सिग्निफाइज द कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब ए प्लस बी, सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या चीज आ गई आपकी, केसी, दिस इज केसी, तो यू विल गेट नाउ फाइनल केसी विल बी इज इक्वल टू, यहां पे केपी है, केपी विल बी इज इक्वल टू केसी आर टी, अगर आर टी यहां पे क्या था, सी प्लस डी अपॉन आर टी ए प्लस बी, ठीक है, मींस मैं ये कह सकती हूँ के पी इज इक्वल टू के सी आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। सी प्लस डी के मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गॉट द पॉइंट, तो यू कैन राइट के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये क्या हो गया चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रोडक्ट के जितने हुए, रिएक्टेंट के कितने थे, तो आप क्या बोलते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटे, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट डाउन फ्यू थिंग्स, आर टी, आर टी इज अ गैस कॉन्स्टेंट, इज अ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 8.314 यू विल डू, आर की वैल्यू करोगे आप, गैस कांस्टेंट लेके आते हैं। तो बेटे अच्छा, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तभी एप्लीकेबल है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली वेन वेन रिएक्शन रीच टू द इक्विलिब्रियम, रिएक्शन रीच टू द इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेगी तो हम दूसरा कॉन्स्टेंट बोलते हैं, दैट इज क्वेश्चन कॉन्स्टेंट, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल है, के सी या के पी कब आएगी वैल्यूज की, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अटेन हो चुकी है। नाउ के सी डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि के सी क्या है बेटे, इसको ध्यान से समझो इस पॉइंट को, के सी क्या है, के सी है जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करगी, इनिशियली क्या थी, तभी तो के सी नहीं है, बात समझ आई, बात इनिशियल क्या था कॉन्सेंट्रेशन, तब तो हम केसी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे ना, हम केसी की वैल्यू कब फाइंड आउट करते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, तो क्या केसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करी, फिर इनिशियल पे नहीं डिपेंड करी, ये कब डिपेंड करेगी, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई होगी, समझ आ रही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगी, डिपेंड किसके ऊपर करेगी, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी होगी, तब आप अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करोगे ना, तो इसकी वैल्यू वेरी होगी,
ठीक है, लाइन लिखने को आप बहुत आसानी से लिखते हो, इस लाइन का मतलब भी समझा करो। तो यू कैन राइट नाउ द वैल्यू ऑफ के डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। However, it depend upon the molar concentration in the equilibrium. मर्जी ना लिखो बुक्स में, नहीं यू कैन रीड फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो, आप समझा करो। समझते क्यों नहीं आप ज्यादा? वैल्यू ऑफ के डजेंट डिपेंड, बुक्स में सब कुछ गिवन, ऐसी पॉइंट्स बने हुए हैं सेम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, 11th स्टैंडर्ड में वेस्टेज कहते हैं इसको टाइम की। समझ आ गया पॉइंट भाई? ये हिंट लिख के रख लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट्स इट। हिंट लिखा करो सिर्फ, इट डिपेंड अपॉन जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कॉपीकैट बनना बंद करो, ठीक है? दूसरा, अब मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है? हाँ जी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तभी हमने PV इज इक्वल टू NRT लिया जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं। जब आप आइडल गैस इक्वेशन निकालोगे तो हम लॉज लेके निकालेंगे, जब हम बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लेके निकालेंगे तब आप उनमें सब चीज कॉन्स्टेंट रखते हो, ठीक है? समझ आइए, आइडल गैस इक्वेशन में स्टैंडर्डाइज कंडीशन होती है। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगी, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर में चेंजेस करे, जो हम ली चैटरली में देखेंगे, ली चैटरली में अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड जैसे मर्जी जाएगी, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। दूसरा, एवरी 2 to 3 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो आपकी रिएक्शन रेट फास्टर भी हो जाता है, 10 degree राइज इन, 2 to 3 टाइम इंक्रीज होता है एवरी 10 degree राइज इन टेम्परेचर से, ठीक है? अगर आप 10 degree राइज इन टेम्परेचर करते हो तो रिएक्शन रेट 2 to 3 टाइम्स फास्टर हो जाता है, मीन्स इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करते हो तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जी। समझ आ रही है? याद रखना है बस आपने ये पॉइंट, बाकी बुक्स में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो, राइट डाउन, अगर मान लो KC फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए 50 है, फॉरवर्ड जा रही है आपकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ए ये न्यूमेरिकल आएंगे बेटे इसके ऊपर एग्जाम में, आपको कोई पॉइंट्स नहीं पूछता, आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है? अगर मान लो KC फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50, राइट डाउन KC इज इक्वल टू 50 फॉर दिस रिएक्शन, राइट डाउन KC इज इक्वल टू 50, KC की वैल्यू गिवन है मान लो एग्जाम में आपको। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू हो जाए तो KC की क्या वैल्यू होगी, तो आपने डिवाइड कर देना होता है जो गिवन KC है। तो न्यू KC विल बी 1/50, हाँ, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूं आपकी, अच्छा इसको ऑपोजिट वे में भी आ सकता है, आपको बोला जाएगा मान लो इससे ये बनने की KC की वैल्यू क्या है, 10, तो ऐसे बनने की क्या हो जाएगी, 1/10, डिवाइड करना आपने, गॉट इट? अब नेक्स्ट लिखो क्या बैकवर्ड देंगे, इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी होगा। अगर फॉरवर्ड की KC की वैल्यू 50 है तो बैकवर्ड भी 1/50,
अगर बैकवर्ड की 10 है मान लो, तो फॉरवर्ड की क्या होगी? 1/10, उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, ये सारे बेटे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। मान लो यू हैव ये क्वेश्चन आपको गिवन एग्जाम में, जस्ट इमेजिन ठीक है, और इसकी केसी की वैल्यू गिवन है राइट डाउन 10, केसी की वैल्यू गिवन है राइट डाउन 10, और आपको बोला गया है कि इसकी सबकी हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस फ्रैक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यू केसी क्या बनेगा, समझ आ रही है? मींस कोई भी फैक्टर आप मान लो एन है, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी है, आपको वैल्यू आएगी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने इस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन होगी, ये नहीं होगी जरूरी 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो केसी की वैल्यू गिवन होगी, मान लो केसी की वैल्यू 10 है, जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसको स्क्वेयर कर देना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो रेस टू दी पावर 2, अगर 3 से मल्टीप्लाई तो रेस टू दी पावर 3, अगर 4 से मल्टीप्लाई रेस टू दी पावर 4, समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर इसकी केसी की वैल्यू बेटे 10 है तो न्यू केसी क्या होएगा, रेस टू दी पावर 2, समझ आ गई? वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपने, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या रेस करोगे, 3, 4 से किया है तो 4, गॉट इट बेटे? अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सब स्टाइकियोमेट्री का रेस टू दी पावर होती है ना, तो उससे वैल्यू भी तो चेंज होएगी। अब आप प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट हैं, मान लो आप प्रोडक्ट सी थे, आप एच आई को रेस टू दी पावर 1 कर रहे थे पहले, ये हाफ ऑफ कर रहे थे, अब रेस टू दी पावर 2 हो गई तो वो क्या बन गई, 1/1। आप खुद आप निकाल के भी देखो, आई एच आई रेस टू दी पावर 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आई और एच टू और आई क्या हो गए, 1/1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, तो आंसर क्या आ गया, 2, तो डबल हो गया ना जितनी वैल्यू, पहले 1 आ रहा होगा अब 2 वैल्यू आंसर आ रहा है, तो स्क्वेयर कर देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो बेटे, तो 5 रेज कर देना आपने, 6 है तो 6, जितने मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को उतना रेज कर देना। अरे बेटे वो बैलेंस करके देंगे हम आपको, एवरीथिंग इज डन, आपको सिर्फ इक्वेशन दी होगी, आपको ये 1 मार्क्स में आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दैट्स इट, समझ आ गई? अब नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन, यू हैव दिस इक्वेशन and you have given with the value of kc that is 40, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने अब मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो क्या इक्वेशन बनेगी, डिवाइडेड बाय 2 किया, हाँ हाँ ठीक है। अगर आप अब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय डिवाइड किए ना अब आपने, तो जिससे आपने डिवाइड किया इसको रूट कर दोगे आप, न्यू केसी क्या बनेगा, रूट निकाल दो, समझ आ रही है? अगर आपको 2 से ही आएगा बेटे, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 3 से तो क्यूब रूट लोगे, इतना नहीं देने वाले हम, हाँ हाँ हमें पता है ना क्या कर सकते हो। अच्छा, अगर राइट डाउन, अगर मान लो कोई रिएक्शन है वो मोर देन 1 स्टेप में होती है, ठीक है बेटे,
वन स्टेप में ए एंड बी राइट डाउन, देयर आर ए स्टेप देयर इज बी स्टेप, टू स्टेप में हुई। तो ए स्टेप का केसी की वैल्यू है, ठीक है, बी स्टेप की भी केसी की वैल्यू है, वैल्यू है किसको ज्यूम कर लो के वन, इसको ज्यूम कर लो के टू। तो आपसे अब न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, के थ्री, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप में कोई रिएक्शन गिवन हो और हर स्टेप का आपको के की वैल्यू गिवन हो, तो आपको फाइनल के की वैल्यू पूछी जा रही है एग्जाम में, तो सब के की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, गॉट इट, सारी की सारी के की वैल्यू को क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई। तो इस केस में के थ्री विल बी के वन इंटू के टू, कोई भी न्यूमेरिकल आए इस वे में, ये वन मार्क्स के आते हैं, वहां ये आते टू मार्क्स के, ओके okay?